दुनिया भर में कोरोना महामारी के बाद अब एक और नया खतरा पैदा हो गया है। पश्चिम अफ्रीकी देश में एक घातक मारबर्ग नामक वायरस का पहला मामला सामने आया। इस बात की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। इस वायरस को इबोला और कोरोना से भी अधिक खतरनाक माना जा रहा है। ये जानवरों से इंसानों में भी फैल सकता है। ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। WHO ने कहा कि ये वायरस चमगादड़ों से फैलता है। इसकी मृत्यु दर 88% तक होती है। 2 अगस्त को दक्षिणी गुएकेडो प्रांत में एक मरीज की मौत हो गई। उसी के नमूने में ये वायरस पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस व्यक्ति में इबोला नहीं मिला, लेकिन मारबर्ग वायरस मिला। WHO के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मोइती ने कहा कि मारबर्ग वायरस को दूर दूर तक फैलने से रोकने के लिए हमें इसे अपने ट्रैक में रोकने की जरूरत है। हम स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं, जिससे इबोला के प्रबंधन में गिनी के पिछले अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर इस वायरस को रोकने के लिए काम किया जा सके। गिनी सरकार ने भी एक बयान में मारबर्ग मामले की पुष्टि की है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।